उर्मेश रेशमिया की आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का एक गाना रेलवे स्टेशन पर गाने वाली रानू मंडल ने रिकॉर्ड कर दिया है। ये गाना तेरी मेरी कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा, सुना और शेयर किया जाने वाला कंटेंट बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानू मंडल की जिंदगी की असली कहानी क्या है? रानू मंडल पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उनकी उम्र 60 साल है। उनके पति का सालों पहले निधन हो गया था। एक बेटी है। कुछ दिनों तक वो माँ का ख्याल रखती थी, लेकिन बीते 10 सालों में बेटी ने भी दूरी बना ली थी। पश्चिम बंगाल में राणाघाट रेलवे स्टेशन से कुछ दूर रानू मंडल का घर है। वीराने में स्थित इस घर में रानू का सामान बिखरा पड़ा रहता है। दीवारें गिर रही और चारों तरफ काई लग गई है। वो इस घर में अकेले रहती है। आपको हाल ही में बता दें कि एलडी न्यूज की जांच पड़ताल में ये पता चला कि रानू मंडल पहले स्टेज शो किया करती थी। इसके लिए कई बार उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि आज भी कई पुराने जगहों से उनको गायकी के लिए बुलावे आते हैं। कई जगहों पर जाकर वो आज भी गाना गाती है, लेकिन दूर जाना आना अब इस उम्र में ज्यादा नहीं हो पाता। वहां से मिलने वाले पैसे जैसे ही खत्म होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। असल में अब पेट पालने का उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा। रानू आमतौर पर बांग्ला बोलती है। वो जब 7-8 साल की थी तभी से गाती थी। इसके बाद रेडियो और टेप रिकॉर्डर सुनकर उन्होंने गाना सीखा और मौका लगने पर स्टेज पर गाने लगी। रानू ने शुरू शुरू में कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर गाया। गाने के बदले उन्हें कुछ कुछ मिलने लगा। फिर उन्होंने लता मंगेशकर के कई यादगार गाने याद कर लिए और एकदम लता जी की तरह ही गाने की कोशिश करने लगी। जब उन्हें दिखा कि गाना गाने से उनका गुजर बसर हो रहा है तो उन्होंने इसे थोड़े और ढंग से गाना शुरू कर दिया। रानू ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था और गाना गाकर ही मैं अपना पेट पाल सकती थी। कोई बिस्किट दे देता था तो कोई पैसा दे देता था। राणाघाट स्टेशन पर जब उन्होंने गाना शुरू किया तो कई लोग उनके गाने से अवाक रह गए। कई लोगों ने उनका वीडियो बनाया, यहाँ वहाँ शेयर किए। इसके बाद जो भी रानू का गाना सुनता कहता मानो लता गा रही हूँ। ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ लोगों के बीच दबी रह गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने छोटे बड़े उत्सवों में उन्हें फिर से गाने के लिए बुलाना शुरू किया, लेकिन रानू को नियमित पैसे या सामान रेलवे स्टेशन से ही मिलता है, इसलिए वो हर जगह से वापस रेलवे स्टेशन आ जाती थी। इसी दौरान एक शख्स रियतीन्द्र चक्रवर्ती कई बार राणाघाट से आते जाते वक्त रानू के गाने सुनते और चला जाता। एक दिन उन्होंने रानू का एक प्यार का नगमा है गाते हुए वीडियो बना लिया। उन्होंने इस गाने को सोशल मीडिया में शेयर किया। सोशल मीडिया में शेयर होने वाले कंटेंट की खोज करने वाले कई पेजों के एडमिन यहाँ वहाँ इसी तरह का कंटेंट ढूंढते फिरते हैं। ये किस्मत ही थी कि यतीन्द्र का वीडियो उन्हीं में से एक खास पेज बरपेटा टाउन द प्लेस ऑफ पीस में हाथ लगा। उन्होंने बीती 28 जुलाई को ये वीडियो अपने पेज पर डाला। इसको लाखों लोगों ने शेयर किया। इस पेज के फॉलोअर की संख्या हजारों में है, लेकिन रानू के गाने को लाखों लोगों ने शेयर कर दिया। इसके बाद नेशनल मीडिया के वेब पोर्टल और टीवी चैनलों ने उनके ऊपर खबरें दिखाई। सबने रानू की आवाज़ की तुलना लता मंगेशकर से कर दी। सबके लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि रानू रेलवे स्टेशन पर गाती है। टीवी मीडिया और इंटरनेट पर वायरल होने के चलते रानू को थोड़ी अटेंशन मिली, लेकिन इसका क्या फायदा होगा किसी को नहीं पता था। टीवी मीडिया में चलने के बाद जो भी रानू को देखता अपना मोबाइल लेकर उनसे गाने की मांग करता है। अहम बात यह है कि रानू ने किसी को मना नहीं किया। जब जिसने जहां कहा उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ये सब करने से रानू को अच्छा लगा, लेकिन इसके बदले उन्हें पैसे का कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन रानू के वीडियो को लगातार शेयर होता देख सोशल मीडिया पेज चलाने वाले रानू का वीडियो बनाने वाले यतीन लगातार ये प्रयास करते रहे कि एक बार रानू को आजकल संगीत को लेकर चल रहे टीवी रियलिटी शो तक पहुंचाया जाए। खुद टीवी रियलिटी शो इस ताक में रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी शख्सियत मिले जिसके बल पर उनकी टीआरपी आसमान पर पहुंच जाए। संयोग से दोनों बातें एक साथ हो गई, लेकिन बॉलीवुड के सैकड़ों हिट गाने दे चुके हिमेश रेशमिया रानू को ब्रेक दे देंगे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हिमेश ने बताया कि बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की कही एक बात पर उन्होंने ध्यान दिया और रानू की गायकी के बदले उन्हें ब्रेक देने से खुद को नहीं रोक पाए। हिमेश ने फैसला किया कि वो रानू से गाना गवाएंगे और उन्होंने अपनी टीम को रानू को ढूंढकर अपने स्टूडियो तक लाने को कहा। रानू के ऊपर पहले से ही खबरें बन चुकी थी, लेकिन इन दिनों रानू यतीन्द्र के साथ रहने लगी थी।
क्योंकि वो रानू को लेकर कई तरह के प्रयास कर रहे थे। जब यतीन्द्र से संपर्क किया गया तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने फ्लाइट में रानू को बिठाया और मुंबई रवाना हो गए। मुंबई जो पहला वीडियो सामने आया वो अलग ही था। तेरी मेरी कहानी गजब की सुपरहिट गाना साबित हुआ। इसके बाद कहानी हम सबको पता है। 10 साल पहले माँ को ठुकरा दिया था जिस बेटी ने वो माँ के पास लौटाई। अहम बात ये थी कि रानू ने तत्काल उसे गले लगा लिया। इसके बाद से रानू लगातार मुंबई में। उन्होंने हिमेश का गाना पूरा कर दिया है। इसके बाद उन्हें म्यूजिक रियलिटी शो सुपर सिंगर में भी गाने का मौका मिला। वहाँ हिमेश ही जज थे। अब रानू बॉलीवुड में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर चुकी है। उनकी आवाज़ लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। माना जा रहा है कि वो बॉलीवुड के और भी गाने गा सकती हैं। बड़ी बात यह है कि रानू की जिंदगी ने गजब का एक पलटवार देखा है। दरअसल रानू को भी इसकी कल्पना नहीं होगी कि आखिर कब इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएंगी और उनकी किस्मत पूरे तरीके से बदल जाएगी। बड़ी बात यह है कि रानू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्टेशन पर गाना गाने से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी। रानू ने कभी ये नहीं सोचा था कि एकदम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन्हें गले लगा लेगी। रानू ने कभी नहीं सोचा था कि हिमेश रेशमिया जैसे इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें अपनी ज़िंदगी में गाने का मौका देंगे। रानू ने यह भी नहीं सोचा था कि यतीन्द्र की शक्ल में उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा फरिश्ता आएगा जो उनके ज़िंदगी के सारे दुख हर लेगा। रानू ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा अपनी बेटी से 10 साल बाद मिल पाएंगी। रानू ने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करने के 6-7 लाख रुपए मिल जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स रानू के साथ काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर स्वास्थ्य कारणों की वजह से ज़्यादा फिल्मों में गाना नहीं गाती, लेकिन रानू का जॉनर और रानू की कला ने एक बार फिर से लोगों के जहन में लता जी की यादें ताज़ा कर दी। रानू की आवाज़ ने लोगों के दिलों को घर कर दिया है। रानू की आवाज़ ने लोगों का दिल जीत लिया है। रानू का फेमस गाना एक प्यार का नगमा है बहुत बड़ा हिट साबित हो गया है। हम ये मानते हैं कि ये गाना लता जी ने गाया था और इस गाने को आज भी लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन रानू ने एक बार फिर इस गाने को जिंदा कर दिया है। रानू ने एक बार फिर बता दिया कि अगर जज्बा हो और लगन हो और टैलेंट हो तो फिर उम्र नहीं देखी जाती, इंसान कुछ भी कर सकता है। रानू की जिंदगी की कहानी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो रही है। रानू एक ऐसी महिला के तौर पर उभर कर सामने आई है जो आने वाले समय में महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेंगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अपनी मेहनत और सच्ची लगन के दम पर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज रानू को पूरा देश प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, लेकिन रानू के लिए ये जीवन आसान नहीं था। रानू पहले भी अपने पति के साथ मुंबई आ चुकी थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद रानू को दोबारा कलकत्ता रानाघाट लौटना पड़ा। उसके बाद रानू को उनके परिवार वालों ने साफ अपनाने से इनकार कर दिया और रानू की बेटी को उनसे दूर कर दिया। बताया गया कि रानू की बेटी को ये बता दिया गया है कि रानू भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रानू हिम्मत नहीं हार रही थी। रानू धीरे धीरे सालों तक गाना गाती रही और अपना पेट पालती रही, लेकिन रानू की किस्मत पूरी तरह से पलटी और यतीन्द्र ने उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रानू को लगातार मौके देते गए और उसके बाद रानू की जिंदगी ने पूरी तरह से पलटी मार ली और जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। बड़ी बात यह है कि रानू मंडल एक उभरती हुई कलाकार ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि आप किस तरह से जिंदगी की बुलंदियों को छू सकते हैं, किस तरह से कब कौन किस फरिश्ते की शक्ल में सामने आकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर जाए, इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। LD न्यूज़ भी रानू मंडल के जज्बे को सलाम करता है और कहीं ना कहीं रानू मंडल की ज़िंदगी को आगे और बेहतर बनाने की पूरे तरीके से कामना करता है। LD न्यूज़ रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।